block. Tera baba. सो गाइस, मेरा नाम है रोशन राज और आप देख रहे हैं राज एडिस आर्मी। तो हम लोग स्नैपसीड में फोटो को रिटच करने वाले हैं, तो पहले हम लोग स्नैपसीड में चले जाते हैं। ठीक, सो गाइस, हम लोग स्नैपसीड में आ चुके हैं, तो हम लोग को फर्स्ट इस पे रिटच करना हो तो पहले हम लोग टूल के आइकन में जाएंगे। टूल के आइकन जाने के बाद हम लोग यहां पे पहला ही ऑप्शन आपको टूल इमेज का दिख रहा होगा। टूल इमेज में जाएंगे। टूल इमेज में जाने के बाद यहां थ्री लाइन दिख रही होगी, यहां पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसकी ब्राइटनेस को थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे। ब्राइटनेस आपको 10 के अंदर ही रखना है, सो इतना ठीक रहेगा। नहीं, थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद कंट्रास्ट में जाएंगे। कंट्रास्ट से होता है कि फ़ोटो में थोड़ी क्लियरिटी और डार्कनेस आ जाती है। 20 के आप अंदर रखेंगे तो ठीक होगा। यहाँ पे सेचुरेशन को इंक्रीज करना है 30 के अंदर ही। इतना ठीक है। उसके बाद यहाँ वाइब्रेंस को थोड़ा बढ़ाना है। हाँ ठीक है। या इसके शेडो को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। उसके बाद यहाँ से ये सिलेक्ट हो गया। देखिए गाइज, ये फ़ोटो पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। आप भी इसी तरह से अपनी फ़ोटो को चूज़ कर सकते हैं। सो उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे सिलेक्टिव टूल पे। सिलेक्टिव टूल के जाने के बाद हम लोग यहाँ सिलेक्टिव टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लें आपको जहाँ तक इस फ़ोटो को क्लिक करना है, मारना है। उसके बाद यहाँ कॉन्ट्रास्ट जाएंगे। कॉन्ट्रास्ट इसकी थोड़ी बढ़ा लेंगे, इतना सही लग रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है लेंस ब्लर के ऑप्शन में। हम इस लेंस को छोटा कर लेंगे, बहुत छोटा, इतना पतला ठीक रहेगा। और यहाँ पे लगा के आप इस तरह से DSLR वाले लुक भी इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ऊपर में आपको तीसरे नंबर पे दिख रहा होगा, पहला का तीसरा पे दिख रहा होगा। यहाँ पे जाना है, फिर व्यू एडिट्स में जाना है। उसके बाद पहला ही ऑप्शन में लेंस ब्लर दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। सेकेंड ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। आई को हटा देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे इसकी फुल करना है। सो अच्छे से मारना पड़ेगा, थोड़ा सा भी कोना छूटना नहीं चाहिए, थोड़ा DSLR वाला लुक आना चाहिए। फोटो रिचार्ज हो रहा है तो मैं इसको जल्दी कर। गाइस, मैंने अच्छी तरह से ब्लर मार लिया है तो इसको मैं सही करता हूँ। उसके बाद देखिए कितनी अच्छी से फ़ोटो आ रही है, देखिए ऐसी हो गई। उसके बाद हमें यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिख रहा है विग्नेट का, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको इसके सर पे ले जाएंगे और इसके बाद इसको इंक्रीज करेंगे, थोड़ा डिक्रीज करेंगे, इतना सही रहेगा। अब हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऑप्शन में जाना है, उसके बाद यहाँ पर सेव करना है। गाइस, हमारी फ़ोटो रिटच हो चुकी है। प्लीज़ सपोर्ट एंड लाइक, प्लीज़।